ट्वेल्थ क्लास आवर फर्स्ट चैप्टर इन विस्ताज द थर्ड लेवल रिटर्न बाय जैकफिने इज गोइंग ऑन वी हैव टेकन सेवन एंड सिक्स सेवन पैरा द फाइनल स्टंजा वॉज द फाइनल लाइन वॉज अबाउट द फर्स्ट डे कवर वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट डे कवर टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट्स शुड बीन हैियर यानी कि उस रात को मेरे पुराने पहले दिन के आवरणों में मुझे एक आवरण मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था क्या कहते हैं चांदी कि दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन ऑफ दैट शुड नाट हैियर यानी कि उस रात को मेरे पुराने पहले दिन के आवरणों में मुझे एक आवरण मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था बट देयर वॉज इट परंतु वह यहाँ था इट वॉज देयर बिकॉज समन हैड मेल्ड इट टू माई grandfather. ये वहाँ था क्योंकि मेरे किसी ने मेरे दादाजी को इसको के पास इसे क्या किया था मेल किया हुआ था गेल्स से एट हिज होम इन गेल्सबर्ग

एट ऑल कहते हैं कि वहाँ जुलाई अठारह, अठारह सौ चौरानवे से था यानी कि डाकघर की मोहर ऐसा कहती थी और जो तो उसमें स्टम्प लगी थी वो एटीन जुलाई एटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर की थी दस स्टम्प हुआ था सिक्स सेंट और जो उसमें टिकट था वो सिक्स सेंट रेट का था डल ब्राउन हल्का फीका भूरा रंग का विदा पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गेल गारफील्ड और उसमें राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर भी थी उस स्टम्प में नेचुरली वेन द इनविल्प केम टू ग्रेंडेड इन द मेल वास्तविक रूप में जब लिफापा मेरी मेरे दादाजी के पास डांक से आया था यह सीधा उनके कहाँ चला गया था इट वेंट राइट इन टू द कलेक्शन यानी कि संग्रह में चला गया और तब से क्या है एंड स्टेट स्ट्रेट दियर तब से ये लिफाफा वहीं रहा आई टुक इट आउट एंड ओपन डेट जब तक कि मैंने इसको देखा और खोला द पेपर इन साइड वॉज नॉट ब्लैंक रीड यानि कि पेपर के अंदर लिफाफे के अंदर खाली लिफाफा नहीं था उसके अंदर एक पेपर भी था जिसमें एक लिखा था लेटर था उसमें लेटर में क्या लिखा था उसको पूरा ब्रैकेट में दिया गया है यहाँ पर जो लेटर है पूरा उसमें लिखा है नाइन हंड्रेड फोर्टी वन स्ट्रीट गर गाइज एटीन हंड्रेड जुलाई एटीन एटीन हंड्रेड फोर अंदर कागज़ खाली था इसमें क्या लिखा था नौ सौ इकचालीस विलाड़ स्ट्रीट गेल्स वर्गेलीस जुलाई अट्ठारह अठारह सौ चौरानबे यानि कि एट हंड्रेड नाइन्टी फोर चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट चार्ली मैं इच्छा करने लगा कि तुम बिल्कुल सही थे देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट फिर भी मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे एंड चार्ली इट इज़ ट्रू और चार्ली यह सच है क्या आई फाउंड द थर्ड लेवल मुझे तीसरा लेवल मिल गया है आई हैव बीन हीयर टू वीक्स मैं यहाँ दो सप्ताह से रह रहा हूँ एंड राइट नाउ और अब भी हूँ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समन इज प्लेंग अ पियानो गली के उस छोर पर डेली की दुकान पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग इंग नैली होम और वे सब वहाँ सामने वाले पोर्च में गा रहे हैं जो गाने की बोल हैं वो क्या हैं सिंग नैली होम ऐसा गाने के बोल हैं एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेट्स और मुझे नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया है कम ऑन बैक वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी चार्ली और लुइजा तलाश करते रहो जब तक कि तीसरा लेवल तुम्हें न मिल जाए यह तलाश करने लायक है मेरा विश्वास करो ऐसा लेटर में लिखा गया था द नोट इज़ साइन विद सेम और वह नोट जो है सैम के नाम से हस्ताक्षर किया था उसमें सेम करके नीचे से साइन किए गए थे ऐट द स्टम्प एंड द कोइन स्टोर आई गो टू फाउंड आउट दैट सेम बॉट एट हंड्रेड डॉलर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल एट दिन कि द नोट इज साइन विद सेम वोट जो था सेम से के नाम का उसमें क्या था सिग्नेचर था एट द स्टम्प एंड द कोइन स्टोर आई टू गो टू मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर गया आई फाउंड दैट द सेम बॉट एट हंड्रेड डॉलर वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी मैंने पता लगाया कि सेम ने आठ सौ डॉलर के बराबर पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी थी दैट और टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस और कहते हैं कि यह रकम उसे एक अच्छे घास चारा और अनाज के व्यापार में स्थापित कर देती है ही ऑलवेज सेट वो हमेशा कहा करता था दैट इज़ वॉट ही रियली विज ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस वो हमेशा कहा करता था कि यही वह कर सकता है या फिर और वह अपने पुराने धंधे में वापस बिल्कुल नहीं जा सकता है नॉट इन गिल्स वर्ग एलिनोइज एटीन हंड्रेड नाइन्टी फोर इज ओल्ड बिजनेस वाइस सेम वज़ माई सेक्रेटिस्ट फ्रेंड लास्ट में कहा है कि वह पुराने धंधे में बिल्कुल वापस नहीं जा सकता अठारह सौ चौरानवे में यानी कि उन्नीस सौ चौरानवे मेंंड्रेड नाइन्टी फोर है यानी कि अठारह सौ चौरानवे में गिल्स वर्ग एलिनॉइज में नहीं उसका पुराना धंधा क्यों क्योंकि सैम मेरा क्या था मनोविशेषज्ञ था अब क्वेश्चन उठता है इज दियर करैक्टर अ सेम या फिर व्हाट वाज द थर्ड लेवल रिफर किसको को रिफ़र कर रखा है थर्ड लेवल थर्ड लेवल क्या है ओनली सब है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ठीक है ना और दूसरा चार्ली ये जो आ, सेम का है उसमें जो सेम का लेटर लिखा है थर्ड लेवल मीडियम ऑफ स्कीप है चार्ली के लिए ये सब बातें जो हैं इसमें सेम करेक्टर था या नहीं था इसमें सेम भी करेक्टर नहीं होता खुद ही चार्ली क्या बन जाता है इसमें सेम बन जाता है यानी कि अपनी कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए यानी कि जो थर्ड लेवल है टोटली मैंने बोला इट्स स्टोरी इज बेस्ड ऑन द टोटल इमेजिनेशन रिटर्न बाय जैक फिने चार्ली खुद ही सेम है इसमें खुद ही साइक्रेटिस्ट का फ्रेंड बन जा उसका फ्रेंड साइक्रेटिस्ट भी खुद ही है वो ठीक है ना ये सारी चीज़ें जो करेक्टर हैं ऑल करेक्टर्स आर इमेजिनेशन सब कल्पना पर आधारित करेक्टर हैं इसमें ठीक है ना तो आपने इसका ट्रांसलेशन देखना है और थोड़ा हिंदी मीनिंग इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो वर्ड मीनिंग आए हैं इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में करना है